हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं यहाँ पे आज पीजी में हूँ, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि आज साल का पहला दिन है और मैं यहाँ पे फैमिली से दूर हूँ। बट मैं ना बहुत ही जल्दी निकलने वाली हूँ, इसलिए मैं इधर उधर देख रही हूँ कि धूप तो ज़्यादा नहीं आया ना। तो उसके बाद मैं चल गई किचन, क्योंकि थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था मेरा, बर्तन धोना था। क्योंकि अभी मैं पता नहीं जा रही हूँ एक दिन बोल के, पर कब आऊँगी नहीं पता मुझे। इसलिए ना मैं सोची कि यहाँ पर बर्तन और सारा कुछ धो देती हूँ, फिर मैं निकलूँगी घर के लिए। तो यहाँ पे आई बर्तन, तो यहाँ पे बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ था ऑलरेडी। फिर यहाँ पे मैं लग गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मुझे ना घर से आने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा दिन रह के आऊँगी। मॉर्निंग का भी साथ हो रहा है, लेकिन बाहर निकली थी मैं तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अभी 9 बज रहा है, इतना ज़्यादा धूप है और ठंड था, लेकिन अचानक से गर्मी आ गया है और आज से तो ज़्यादा ही गर्मी हो जाएगा, क्योंकि आज है पहला बैसाख। तो इसके बाद तो अच्छा खासा गर्मी लगता है, तो गर्मी तो आ ही जाएगा, मुझे लग रहा आ ही जाएगा, क्या आ ही गया है। फिर उसके बाद ना मैं अपना सारा सामान रेडी कर रही हूँ, और मेरे पास ना थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लैंकेट था, तो मुझे ना वो ब्लैंकेट देख के और ज़्यादा गर्मी लगता था, जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बस स्टैंड पहुँची थी, और आज है संडे तो बस मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मुझे थोड़ा देर वेट करना पड़ा। और यहाँ पे बस में बैठी थी और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था कि मुझे ना ऐसे लग रहा कि आज मैं जा रही हूँ और तो पता नहीं कब जाऊँगी, क्योंकि बस में थोड़ा सा गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ना बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा अब यार, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा और बस छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बहुत देर के बाद ये बस छूटी, तो थोड़ा सा राहत लगा कि हाँ चलो भाई, अब तो थोड़ा बहुत हवा आ जाएगा। लेकिन बस चलने लगा तो थोड़ा बहुत हवा आने लगा, तो थोड़ा सा अच्छा भी मुझे लगा कि हाँ आराम से मैं घर पहुंच जाऊंगी। फिर ये बच्चा लोग ना आ गया, जैसे ही मैं पहुंची तुरंत ही ये बच्चा लोग आ गया। अरे ये बच्चा का डांस तो हमेशा ही चलते रहता है, और इतना ज़्यादा क्यूट बच्चा, और ये बच्चा इन लोगों को डरा रहा है। आज मेरे घर में थोड़ा सा स्पेशल आलपूना बन रहा है, जो मम्मी बना रही है, और इधर मेरा स्पेशल खाना बन रहा है। मम्मी का आलपूना स्पेशल है आज का, और मेरा आज का स्पेशल खाना है। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, और मेरा खाना का ही खुशबू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा कब खाऊंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे मम्मी गेहूं को भूज रही है। आज जो सत्तू बनेगा वो घर में ही बनेगा, तो वो मम्मी यहाँ पर रेडी कर रही है। उसके बाद मैं सोच ली कि आज थोड़ा सा रील्स बना लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि मुझे लग रहा कि मैं तो मेकअप भी नहीं कर पाऊँगी। और ना यहाँ पे ना मम्मी बहुत सारा साड़ी मेरे लिए लेके रख दी थी, और मेकअप का सामान भी इधर आ गया है। तो अब मैं सोच रही कि थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ, फिर मेकअप कर ली। बट ना इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि मेरा फेस अजीब सा ही दिख रहा, और मैं ना कुछ भी यहाँ पे रील्स बनाने के लिए लाई नहीं थी। तो मेरे पास ना छोटे छोटे ईयरिंग था, उसी को मैं पहन ली हूँ। और ना मेरा बाल, ना जो बाल का थिकनेस है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है मेरा। फिर उसके बाद मैं सोची कि चलो भाई आप रील्स बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे जब मैं छत में गई, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब अच्छा व्यू आ रहा था, बट ना इतना ज़्यादा गर्मी की मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था फेस ना, बहुत ही मतलब पसीना पसीना अजीब सा ही दिख रहा था फेस में, ग्लो था बट ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बना लिया, और ये रहा मेरा गांव। और ना गांव का व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा अभी, क्योंकि हर तरफ हरियाली, और हरियाली के बीच ये इतना सुंदर सा रेड सा फूल मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली, तो ये बच्चे लोग पहुँच गए तब तक, और मेरा यहाँ पर वेट किया जा रहा है। और अभी शाम होते ही ना इतना अच्छा हवा चल रहा है कि ठंडा ठंडा मज़ा ही आ गया, लग रहा है कि बारिश होगा, बट बारिश नहीं होगा। मैं इधर पहले ही चेक कर चुकी थी। फिर उसके बाद ना नाश्ता बना ली शाम के लिए, तो सारे बच्चे को पहले खिला दी, फिर उसके बाद मैं खा ली। फिर ना मुझे बहुत ज़ोर की नींद आई, तो फिर मैं सो गई। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।